गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल. यस्टरडे आई टॉट चैप्टर नंबर 1 द नाउंस एंड टुडे आई विल रीड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1, इट मींस ए एक्सरसाइज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउंस आर प्रॉपर और कॉमन नाउन. देखिए, जो आपको नाउन दे रखे हैं इनके सामने आपको लिखना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन. चेयर इज अ कॉमन नाउन. मिस्टर जॉन प्रॉपर. कोलकाता प्रॉपर, क्योंकि ये क्या है, नेम है. ठीक है. डॉक्टर कॉमन. डिक्शनरी कॉमन. मार्केट कॉमन. डॉटर कॉमन. स्कूल कॉमन. बुक कॉमन. बीच कॉमन. सिमरन प्रॉपर. होली प्रॉपर. देखिए, ये नेम है सिमरन एंड होली, तो प्रॉपर है. और ये कोई से भी हो सकती है. देखिए, डॉटर तो कोई भी हो सकती है, उसका नाम तो नहीं दे रखा. स्कूल भी कोई सा हो सकता है, इसलिए ये सब क्या है, कॉमन नाउन. ठीक है. बी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. नंबर 1, ए. अब देखिए, इसमें हम क्या फील करेंगे. ए नेस्ट ऑफ माइस निबल्स ईच एंड एवरी थिंग एट माई होम. नंबर 2, I bought a. अब क्या फिल करेंगे. Bouquet of flowers for my teacher. Number 3, the litter of puppies was very playful. Number 4, I saw a clutch of eggs in the storeroom. Number 5, a herd of cows was grazing in the field. Number 6, a cheer of singers performed well at the function. Number 7, the fox was hungrily looking at the bunch of grapes. And then you have exercise. Write C for countable noun and U for uncountable noun. देखिए, salt क्या है आपकी, uncountable. उसे count नहीं कर सकते ना नमक को. Books countable है, उसको काउंट कर सकते हैं. वाटर अनकाउंटेबल है, पानी को भी हम काउंट नहीं कर सकते. फिंगर काउंटेबल है, फिंगर काउंट कर सकते हैं. मिल्क अनकाउंटेबल, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. स्नो अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते. टी अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते. विंड अनकाउंटेबल है, उसको भी काउंट नहीं कर सकते. पेन काउंटेबल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं. और आर्ट्स जो है वो काउंटेबल है. ओके. एंड देन आई हैव completed till page number 9 of this chapter. After it, I will complete tomorrow. Okay, students? I think every students have understood it very well. If any student have any problem, you can ask me. Have a nice day, students. Bye.